जा वीडियो। हेलो गाइस, मैं एमडी नवाज, मैं आप सबके सामने एक उर्दू 10 क्लास का उर्दू चैप्टर पहला दिन है जो कि मैं आप सबको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। उर्दू पढ़ाने से पहले ये चीज़ का ज़रूरी होता है, सबसे पहले उर्दू का जो भी चैप्टर होता है, जैसे हिंदी में ले लीजिए ककरहा, जैसे को खो गो पढ़ते हैं, उसी टाइप से इसी उर्दू में है कि अलिफ से या तक पढ़ना ही ए टू जेड कहलाता है। और ये जब तक नहीं पढ़ सकते हैं वो आप उर्दू कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम चलते हैं लेकर के, जैसे मान लीजिए ये है अलिफ, ये है बा, ये है ता, ये है सा, ये है जीम, ये है हा, ये है खा, ये दाल, जाल, रा, जा, सीन, सीन, स्वाद, ज्वाद, तो, जो, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, लाम अलिफ, हमजा, या। यहाँ देख सकते हैं कि उर्दू लिखने के लिए उर्दू कुछ अलग टाइप से आते हैं। जैसे आप देखे होंगे उर्दू कायदा में भी देखे होंगे, जैसे कि मान लीजिए ये सब जो है अरबी लफ्ज में इतना काम हो जाता है, लेकिन उर्दू में कुछ ऐसा वर्ड है कि वो लगाने पर ही जो है कि आपका उर्दू पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे मैं देख लीजिएगा, ये है पा, टा, चा, डाल, अरहा, जा और गाफ। ये जब तक नहीं लगेंगे ये उर्दू नहीं हो सकते हैं। तो मान लीजिए इसी को हम इसको इसलिए लिखे हैं कि सबसे आज पहला दिन है जो कि आपको समझ में आए। तो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ क्लास 10, यानी 10th क्लास का मैं आज उर्दू चैप्टर लेके चल रहा था, पहला दिन था, जो कि ये मैं अलिफ से या तक लिखे। लिखने के बाद इसको अब करना क्या है, यही चीज हम पढ़ लेने के बावजूद भी हम नहीं समझ सकते हैं नून कौन है, गाफ कौन है। तो चलते हैं लेकर के, जैसे मैं उल्टा पढ़ा देता हूं, जैसे ये या, ये बड़ी छोटी में है, हमजा, लाम अलिफ, हा, वाव, नून, मीम, लाम, काफ, काफ, फा, गैन, ऐन, जो, तो, ज्वाद, स्वाद, शीन, सीन, जा, रा, जाल, दाल, खा, हा, जीम, सा, ता, बा, अलिफ। ये हम लिखे और उल्टा भी हम पढ़ा दिए। उल्टा पढ़ना भी जरूरी होता है क्योंकि वो जो है समझ में आता है कि कौन क्या है। तो इसको भी मैं पढ़ा देता हूँ, जैसे मान लीजिए गाफ, जा, अरहा, डाल, चा, टा, पा। तो इतना हमको समझ में आ रहा है और हम लोग खुद समझ चुके हैं, समझ रहे हैं। तो मैं इसी को उर्दू लिखने के लिए भी ना सीखना है तो मैं ये करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूँ। मिटा देने के बाद इसको मैं उल्टा पुल्टा लिखूँगा, तो उसको भी जो है कि पढ़ने के लिए सीखना ज़रूरी है। तो आप जानते हैं कि उर्दू एक ऐसा वर्ड है उसमें जबर, जेर, पेश, जज़्म, ये सब तस्दीक नहीं रहते हैं। आप समझ चुके होंगे या जो है कि आप खुद पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे तो आप खुद देखते होंगे कि उर्दू जब भी होता है वो उसमें जो है जबर, जेर और पेश नहीं होता है। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं। देख लीजिए, जैसे मैं लिखा, ये लिख दिए, फिर
ये देख रहे हैं मैं खुद लिख रहा हूं। ये देख रहे हैं हमें कुछ छोटा वर्ड लिखा हूं, पूरा को पूरा नहीं लिखा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब मैं उल्टा पुल्टा लिखा हूं, क्या ये क्या है? आप जान सकते हैं कि ये क्या है? ये है डाल, ये डाल है। ये क्या है? फा। ये फा है, ये नून है, ये वाव है, ये टा है, ये दाल है और ये अरहा है। उसके बाद ये सीन है, मीम है, लाम है और स्वाद है और काफ है। तो इसको उर्दू को लिखने के लिए और पढ़ने के लिए जानना ये सख्त जरूरी होता है। तो आप जान सकते हैं कि जब तक मैं उसको एक बगल से मैं पढ़ लेने के बाद उसको उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ेंगे तो वो समझ में हमको नहीं आएगा। तो आप समझ चुके होंगे इतना सा ही। और जो है कि अब मैं लिखने के लिए जा रहा हूं कुछ वर्ड, और उर्दू में यह होता है कि जैसे मान लीजिए कोई वर्ड लिखना हो या लिखा हुआ हो किताब में तो वो देख सकते हैं कि उर्दू एक ऐसा चीज है कि वो आधा होता है। जब भी कोई चीज लिखते हैं वो क्या होता है, जैसे जैसे मैं मान लीजिए कि मकान, ये मकान हम लिख दिए, मकान लिखे तो इस ये क्या हुआ, ऐसे भी लिख सकते थे, मीम लिख सकते थे, काफ लिख सकते थे, नून लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, लिख सकते थे, लेकिन नहीं वैसा नहीं होता है। वर्ड में उर्दू जब भी चैप्टर रहता है वो क्या होता है कि आधा होता है। जैसे मान लीजिए लिखना है कार, लिख दिए काफ और जो है यहां रा दे दिए, ये दोनों मिक्स हुआ तब ना कार हुआ, ठीक है। इतना ही मैं आज के लिए ये वर्ड को लेके चल रहा हूं। उसके बाद अगला नेक्स्ट दिन जो है कि मैं अपना चैप्टर जो शुरुआती टेंथ क्लास का चैप्टर है उसको मैं पढ़ाऊंगा और आप खुद पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।